हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग आई होप आप लोगों को अब यहाँ पर वॉल्यूम ठीक से आ रही है आवाज़ वॉल्यूम ऑडियो और वीडियो ठीक से आ रही है प्लीज़ एक बार आप कंफर्म कर दो गुड इवनिंग शिवानी ठीक है स्टूडेंट्स तो जो हमने यहाँ पर ये एक रिवीजन की ये जो सेशन शुरू किया था ठीक है तो इसका आज हमारा लास्ट यहाँ पर आ, क्लास है तो ये लास्ट क्लास में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ आपका पेंडिंग बचा है ठीक है तीन कैटेगरी जो मेरे हिसाब से आपके लिए भी पेंडिंग बची है और इंपॉर्टेंट बहुत है डिफेंस कैटेगरी गवर्नमेंट स्कीम कैटेगरी और रिपोर्ट्स और इंडस्टिक्स डिफेंस कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे इंडिया ने जो इंपॉर्टेंट डिफेंस की डील्स करी डिफेंस की एक्सरसाइजिज करी उनको गवर्नमेंट स्कीम्स में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी कंट्री में वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स पिछले छः महीनों में आई उसके बारे में और रिपोर्ट्स और इंडस्ट्रीज़ में दुनिया भर में काफ़ी सारी सी रिपोर्ट्स आती है जिसमें इंडिया को पर्टिकुलर कोई रैंक दिया जाता है ठीक है आज मैं यहाँ पर जो पेन है उसको यूज़ नहीं करूँगा उससे थोड़ी स्पीड कम होती है क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करना है तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ठीक है तो अगर आप आज वाली क्लास को ठीक से लगा देते हैं और आपने पिछली लगाई हैं तो आपको एक काफी अच्छा एज मिलेगा जब आप यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को अटैप्ट करो ठीक है तो यहाँ पर शुरू करते हैं ठीक है पायल बोल रहे हैं सब कुछ क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ठीक है स्टूडेंट सबसे पहले शुरू करते हैं डिफेंस के करंट अफेयर्स को जनवरी दो हजार इक्कीस से लेकर जून दो हज़ार बीस के बीच में ठीक है सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है सहायक एन सहायक क्या है ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजली डेवलप्ड एयर ड्रॉप कंटेनर है तो सहायक है क्या देखिए अगर आप इसको यहाँ नीचे इमेज में देख सको तो ये एक ऐसा आप कह लो इक्विपमेंट है जिसको अगर मान लो इंडियन नेवी का शिप है इंडियन नेवी का शिप बहुत दूर जा चुका है इंडिया से ठीक है और वहाँ जाके उसको रिक्वायरमेंट आ गई कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट की उसको कुछ उस सामान चाहिए उसका कुछ चीज़ ख़राब हो होगी तो सहायक के अंदर क्या किया जाएगा इसके अंदर वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट को रखा जाएगा सामान को रखा जाएगा फिर एक प्लेन भेजा जाएगा उस प्लेन से सहायक को गिरा दिया जाएगा और जो भी इंडियन आर्मी इंडियन नेवी के लोग हैं वो इसको जी के थ्रू ट्रैक करके वापस इसको शिप पे खींच के जो इक्विपमेंट इनको चाहिए वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अब एक शिप गया उसको कोई जरूरत है तो दूसरा शिप भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल है पर एक एयर प्लेन आप भेज सकते हो ठीक है तो सहायक क्या है हमारी कंट्री का फर्स्ट इंडिजियसली डेवलप्ड एयर ड्रॉप कंटेनर सेकेंड आकाश मिसल सिस्टम आकाश मिसल सिस्टम दो कारणों की वजह से दो रीज़न की वजह से यहाँ पर न्यूज़ में थी ठीक है आकाश मिसल सिस्टम दो रीज़न की वजह से न्यूज़ में थी पहला रीज़न पहला रीज़न आकाश मिसल सिस्टम न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि रिसेंटली हमारी कंट्री में जो डी है उन्होंने आकाश मिसल सिस्टम का एन जी वर्जन टेस्ट किया एन जी मतलब न्यू जनरेशन तो नई और अच्छी एडवांस आकाश मिसल सिस्टम को टेस्ट किया गया दूसरा कारण कि क्यों आकाश मिसल सिस्टम यहाँ पर न्यूज़ में थी जो ये वाली न्यूज़ है कुछ ही दिन पहले कुछ हफ्ते पहले हमारी कंट्री गवर्नमेंट ने यहाँ पर आकाश मिसल सिस्टम अब अगर इंडिया की कोई भी नेबरिंग कंट्री हमसे खरीदना चाहती है कोई भी इंडिया की फ्रेंडली कंट्री का चाहती है हम उसको आकाश बेचें तो अब इंडिया अप्रूवल दे देगा अब हमारी तरफ से ये चीज़ ओके है तो हमने यहाँ पर आकाश मिसल सिस्टम को ओपन कर दिया फॉर एक्सपोर्ट अब इंडिया आकाश मिसल सिस्टम को दूसरी कंट्रियों को बेचना शुरू कर देगा ये दो कारण थे जिसकी वजह से आकाश मिसल सिस्टम यहाँ पर न्यूज़ में थी तीसरा अगर आपने से मुझे कोई बता सके कि जो आकाश मिसल सिस्टम है असल में है कि इसकी कैटेगरी क्या है किस कैटेगरी की है मिसल है ठीक है अगर कोई बता सके नहीं बता पाओगे तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ थर्ड न्यूज़ है एम आर एस एम जब भी आप डिफेंस में एस एम सुनो एस एम मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल एक ऐसी मिसाइल जो सरफेस से जाती है और हवा में जाके वार करती है तो मीडियम रेंज मतलब जिसकी रेंज मीडियम है बहुत कम भी नहीं बहुत ज़्यादा भी नहीं न्यूज़ क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है रिसेंटली इंडिया ने एम आर एस एम मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को यहाँ पर टेस्ट किया किस कंट्री की मदद के साथ इंडिया इसको बना रहा है तो हम लोग इसको बना रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ इसराइल तो इसराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ मिलकर इंडिया एम आर एस एम को यहाँ पर बना रहा है ठीक है नेक्स्ट तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ही इफॉर्मेशन डाल दिया ठीक है एमर एस ए में इसराइल है उसके तरफ तो से इंडिया भी यहाँ पर ज्वाइन करा है ठीक है तो मैंने यहाँ पर डी आर डी ओ जो इंडिया के लिए सारे ऐसे सब काम करती है डिफेंस की रिसर्च का उनके बारे में कुछ इफॉर्मेशन डाल दिया डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इनको बनाया गया था नाइनटीन फिफ्टी एट में ठीक है और इनके हेडकोर्टर आपको मिलेंगे न्यू डेली में और ये कुछ इंपॉर्टेंट इफॉर्मेशन जो कि आपको डी आर डी ओ के बारे में पता होनी चाहिए मैंने आपसे पूछा था कि आकाश मिसल सिस्टम असल में है क्या तो उसका सही आंसर क्या है आकाश मिसल सिस्टम जो है ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है तो अगर इसको मान लो एक जगह लगा दिया गया ठीक है दिल्ली के आसपास लगा दिया गया तो दिल्ली के आसपास अगर कोई भी मिसाइल आके अटैक करने की कोशिश करेगी या दिल्ली के ऊपर से कोई ऐसा एयरक्राफ्ट निकलेगा जो हमको नहीं पता कि कौन सा एयरक्राफ्ट है तो आकाश में से सिस्टम उसको गिरा देगा ठीक है आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी नेक्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी बनाई गई हमारी कंट्री में उसको इनागरेट किया हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी असल में करती है देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हाइपरसोनिक है तो हाइपरसोनिक समझने के लिए आप इस इमेज को देखो हवा में जो भी स्पीड है उसको आप एक कैटेगरी देते हो अगर वो स्पीड साउंड की स्पीड से कम है ठीक है हवा में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है अगर वो साउंड की स्पीड से कम है ठीक है तो उसको आप बोलोगे कि ये कुछ सब है ठीक है तो साउंड की स्पीड कुछ होती है बारह किलोमीटर पर आर के आसपास वो डिपेंड करता है हवा में मॉइस्चर और टेम्परेचर के हिसाब से तो साउंड की स्पीड से कम वाली स्पीड को बोलते हैं सबसोनिक जो साउंड की स्पीड के इक्वल हो जाए उसको बोलते हैं ट्रांसोनिक जो साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज चले उसको बोलते हैं सुपरसोनिक इसी वजह से फाइटर जेट्स को बोलते हैं कि ये सुपरसोनिक है जो साउंड की स्पीड से पाँच गुना तेज जाए उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक तो अभी दुनिया यहाँ पर कोशिश कर रही है सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स बनाने का, का काम शुरू किया जा सके और उसके बाद हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट भी बनाने ठीक है अभी तक दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री है रशिया जो कि ये क्लेम करती है कि उन्होंने यहाँ पर हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिया अब इंडिया भी चाहता है हम भी इस तरह की मिसाइल बनाएं हम भी इस तरह के एयरक्राफ्ट बनाएं तो उसके लिए आपको एक टेस्ट फैसिलिटी चाहिए जहाँ पर आप इस तरह की कंडीशन बना सको जो कि उस मिसाइल को फेस करनी पड़ेगी तो इसीलिए इंडिया ने एक हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी बना दी है आपसे पूछा सकता है इसको कहाँ बनाया गया तो हैदराबाद सिटी में बनाया गया असल में हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी को ठीक है आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है नेक्स्ट यहाँ पर डिफेंस की न्यूज़ है प्रोजेक्ट सेवनटीन ए तो प्रोजेक्ट सेवनटीन ए के अंदर किया के जाएगा यहाँ पर ऐसे शिप्स जहाजों को बनाया जाएगा इंडियन नेवी के लिए ठीक है ये जो कैटेगरी है जहाज की उसको बोलते हैं एक फ्री तो प्रोजेक्ट सेवनटीन ए के अंदर जो पहला फ्रिगेट गेट यहां पर लॉन्च किया गया उसका नाम है हिमगिरी तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट सेवनटीन ए क्या है या फिर यह भी पूछा जा सकता कि है कि हिमगिरी क्या है ठीक है तो हिमगिरी एक फ्रिगेट है जिसको बनाया गया प्रोजेक्ट सेवनटीन ए के अंदर और कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हिमगिरी शिप को बनाया उसका नाम है जी आर एस ई एक सरकारी कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड ठीक है अगर आपसे यह पूछा है कि जी आर एस सी के तो आपको इसके इसकेटर्स मिलेंगे कोलकाता में ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पर पैसेक्स एक्सरसाइज पैसेक्स क्या है ये इंडिया रशिया के बीच में रिसेंटली एक एक्सरसाइज एक हुई थी ठीक है तो इंडिया रशिया के बीच में जो एक नेवी की एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम था यहाँ पर पैसेक्स ठीक है तो चार दिसंबर 2020 को इंडिया और रशिया के बीच में एक छोटी सी एक्सरसाइज हुई पैसेक्स एक्सरसाइज नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स है वरुण अस्त्र वरुण अस्त्र क्या वरुण अस्त्र असल में एक बहुत ही हैवी वेट टॉर्पीडो है ठीक है अगर आपको पता हो जो जो मिसाइल्स को पानी के नीचे फायर किया जाता है वो असल में एक टॉरपीडो है तो जो मिसाइल हवा में जाती है उसको आप एक नॉर्मल मिसाइल बोलते हो पानी के नीचे जाने वाली मिसाइल को बोलते हैं टॉरपीडो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंटली वरुण अस्तर बहुत न्यूज़ में था ये है क्या वरुण अस्तर एक हैवी वेट टॉर्पीडो है जिसको कि डी ने बनाया ठीक है तो इतना आप यहाँ पर इस चीज़ को याद रख लेना नेक्स्ट नेक्स्ट जो एक्सरसाइज इसका नाम है सिटमैक्स सिटमैक्स दो हज़ार तो सिटमैक्स दो एक एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया सिंगापुर एंड थाईलैंड तो तीन कंट्रीज ने मिलकर यहाँ पर एक्सरसाइज रखी जिसका नाम था सिटमैक्स ठीक है तो आप वैसे नाम से पता रख सकते हो एस मतलब से, India, से e. मतलब सिंगापुर आई से इंडिया टी से थाईलैंड एम ई मतलब मिलिट्री एक्सरसाइज तो सिटमैक्स दो हज़ार बीस मतलब सिंगापुर इंडिया और थाईलैंड के बीच एक नेवल एक्सरसाइज ठीक है नेक्स्ट कॉर्पेट कॉर्पेट भी एक्सरसाइज थी इंडिया और थाईलैंड के बीच में तो कॉर्पेट क्या है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड ठीक है अगली चीज़ क्या है इंडियन नेवी ने लॉन्च करी है अपनी पांचवी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन तो समरीन की एक कैटेगरी होती है उसको बोलते हैं कि इस क्लास की सबमरीन है तो हमारे यहाँ पर कैटेगरी है स्कॉर्पियन उसमें जो पांचवी सबमरीन लॉन्च किया उसका नाम है वागीर ठीक है तो वागीर नाम की एक सबमरीन है जो कि फिफ्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है जो कि इंडियन नेवी ने यहाँ पर लॉन्च कर दी है दो वर्ड होते हैं एक होता है समन को लॉन्च करना एक होता है किसी चीज़ को कमीशन कर लेना तो लॉन्च मतलब अभी इसको सिर्फ पानी में उतारा है अभी इसका ट्रायल चलेंगे टेस्टिंग चलेगी जब इसको कमीशन किया जाएगा उसके बाद इंडियन नेवी के लिए प्रॉपरली काम करना शुरू कर देगी ठीक है इंडियन नेवी ने ऑपरेशनलाइज कर दिया फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन पायलट्स मतलब इंडियन नेवी के लिए फर्स्ट सेट ऑफ वुमेन पायलट्स यहाँ पर रेडी हो गए ठीक है उनका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है आपके लिए नाम इंपॉर्टेंट आप यहाँ पढ़ सकते हो लेफ्टिनेट दिव्या शर्मा लेफ्टिनेंट शिवांगी और लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप ये तीन लोग तीन वुमेन पायलट्स हैं जो कि इंडियन नेवी ने यहाँ पर उनको ऑपरेशनलाइज कर दिया मतलब अब वो इंडियन नेवी के लिए यहाँ पर एयरक्राफ्ट को उड़ाना शुरू कर देंगे ठीक है अगली चीज डिफेंस की न्यूज़ है इंडिया और यूएसए ने रिसेंटली साइन किया था बैका एग्रीमेंट बी ई सी एग्रीमेंट ठीक है तो बैका एग्रीमेंट अगर आपसे पूछा है इंडिया ने रिसेंटली किसके साथ साइन किया तो उसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया ने बैका को साइन किया यूएसए के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ ठीक है तो यहाँ पर बैका के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि जो बैका है जिसका फुल फॉर्म है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट इसके अंदर क्या क्या बोला गया है वैसे तो इंडिया ने यू के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किया हुआ बेका है बैका है कॉम का है लेमो है ठीक है तो रिसेंटली जो बैका साइन किया गया था न्यूज़ में इससे था क्योंकि इसके लिए दो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स यू से इंडिया आए थे ठीक है तो आप यहाँ अगर इमेज देखो तो आप देख सकते हो यहाँ पर यू के दो मिनिस्टर्स खड़े हैं और हमारी तरफ से राजनाथ सिंह खड़े हैं और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ठीक है एस जयशंकर खड़े हुए तो जब ये विजिट हुई थी उस टाइम पर यहाँ पर साइन किया गया था बैका एग्रीमेंट को नेक्स्ट नेक्स्ट है इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था एक एप्लीकेशन उसका नाम रखा साइं ठीक है सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशन इंडियन आर्मी ने लॉन्च करी उसका नाम रखा था साइं अभी क्यों किया तो ये इसलिए किया क्योंकि आपको पता होगा बहुत बार अब तो ऐसी न्यूज़ आनी शुरू रहती थी कि व्हाट्सएप में जो चैट होती है वो लीक हो सकती है ठीक है तो कई बार सोल्जर्स भी आपस में व्हाट्सअप या इन सब चीज़ों पर बात करते होंगे अब डर ये कि अगर सोल्जर्स आपस में कुछ इस तरह की बात करें जो हमारी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए डेंजरस है तो वो चीज़ लीक हो सकती है तो इसलिए इंडियन आर्मी ने यहाँ पर साई ऐप को लॉन्च किया जिसके थ्रू सोल्जर्स यहाँ पर जैसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं वैसे ही साई के के अंदर बात कर पाएंगे बस यहाँ पर अलग क्या होगा इसको ज़्यादा सिक्योर बनाया जाएगा ठीक है तो ये यह यहाँ पर मेन मोटिव इस ऐप को लॉन्च करने का नेक्स्ट मलाबार एक्सरसाइज यहाँ पर रखी गई बे ऑफ बंगाल में तो मलाबार एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज जिसको इंडिया और यू एस से हमेशा से करते थे पर पिछले साल की जो मलाबार एक्सरसाइज है इसमें चार कंट्रीज है टोटल इंडिया यू उसके अलावा यहाँ पर था जापान और ऑस्ट्रेलिया ठीक है अगर आपसे पूछा जाए मलाबाद नेवल एक्सरसाइज जो पिछले साल इंडिया ने होस्ट करी उसमें कौन कौन सी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर था इंडिया जापान यू और ऑस्ट्रेलिया इन चार कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया मालाबार एक्सरसाइज में ठीक है तो यहाँ पर मैंने एक मैप क्यों लगा दिया इस मैप को दिखाने के पीछे कारण यह है कि जो मालाबार एक्सरसाइज थी इसके दो फेज़ हुए थे फर्स्ट फेज़ हुआ था यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के पास और जो सेकंड फेज था वो यहाँ पर अरेबियन सी के पास रखा गया था ठीक है अगली चीज़ अगली चीज़ क्या है एंटी गाइडेड मिसाइल नाग तो नाग क्या है नाग असल में एक आप इसको समझ लो एक एंटी टैंक मिसाइल है टैंक को अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है तो आप यहाँ पर नाग मिसाइल को यूज़ करोगे और नाग के बहुत सारे वेरियंट्स हैं जिसमें से एक वेरियंट का नाम है हेलिना तो अगर नाग मिसाइल को एक हेलीकॉप्टर से फायर किया जाएगा तो उसको नाग नहीं बोलेंगे उसको बोलेंगे हेलिना तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए नाग मिसाइल का बेसिक काम क्या है एक टैंक को डिस्ट्रॉय करना ठीक है अगली चीज़ तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की नेवी ज्वाइन करेगी मलाबार एक, नेवल एक्सरसाइज को ठीक है तो मैंने आपको बताया था ये नेवी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और यूएसए होती थी जापान ने भी इसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया और पिछले साल हमने ऑस्ट्रेलिया को भी इन्वाइट किया था तो ऑस्ट्रेलिया की नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया था मलाबार नेवल एक्सरसाइज में इंडिया और श्रीलंका यहाँ पर होल्ड करेंगे श्रीनेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज तो अगर आपसे पूछा जाए जो श्रीनेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज है किन दो कंट्रीज़ के बीच में होती है तो इंडिया और श्रीलंका बहुत आसान है इसको याद रखना एक्सरसाइज का ज़्यादातर ऐसे ही आपको नाम से पता लग जाएगा एस से श्रीलंका एल से सॉरी एस और एल से श्रीलंका आई से इंडिया एन से मतलब नेवल एक्सरसाइज तो सीनेक्स्ट मतलब श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज ठीक है तो ये जो एक्सरसाइज है इनसे क्वेश्चन पूछे हैं आप इस चीज को थोड़ा ध्यान में रख लेना नेक्स्ट डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यहाँ पर इनोग्रेट किए थे फोर्टी फोर ब्रिजेस तो एक ही दिन एक ही दिन ट्वेल्थ ऑफ अक्टूबर दो हज़ार बीस को डिफेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर फोर्टी फोर चवालीस ब्रिजेज को इनाग्रेट किया था तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट था और ये सारे के सारे जो ब्रिजेस थे इनको बनाया था बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन बी आओ ने ठीक है तो यहाँ पर मैंने बी आर ओ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इफॉर्मेशन भी डाल दिया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इनका काम क्या है इंडिया में और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हमने हमारे जो आसपास की कंट्रीज है वहां पर सड़कें बनाना ब्रिजेस बनाना ये सब चीजें कंस्ट्रक्ट करना ठीक है जो बी आओ इन के डायरेक्टर जाने का नाम दिया हुआ है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके हेडक्वार्ट आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में नेक्स्ट इंडियन आर्मी ने यहाँ पर एक मेमोरियल बनाया है. किन लोगों के लिए इंडियन आर्मी ने एक मेमोरियल बना दिया उन जवानों के लिए उन सोल्जर्स के लिए जो शहीद हुए थे गलवान क्लैश में ठीक है तो आपको पता होगा जो जून में यहाँ पर आ, इंडिया और चाइना के बीच में जो क्लैश हुआ था गलवान क्लैश ठीक है जिसमें 20 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स शहीद हुए थे तो उनके लिए यहाँ पर एक मेमोरियल बनाया गया एक ऐसी जगह बनाई गई जहाँ उनको याद किया जाएगा ठीक है एक्सरसाइज बोंगो सागर तो बोंगो सागर एक एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश तो इंडिया और बांग्लादेश ने एक तीन दिन की मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज रखी उसका नाम था बोंगो सागर ठीक है अगली चीज़ जिमेस तो X, एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया एंड जापान तो जेमेस मतलब जपान जे, जे से जापान आई से इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज तो जिमेक्स 2020 मतलब इंडिया जापान बायलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज ठीक है अगली चीज़ क्या है अगली चीज़ है वुमेन ऑफिसर्स फॉर दी फर्स्ट टाइम ज्वाइन हेलीकॉप्टर्स टीम ऑफ इंडियन नेवी तो जो पहले बताया गया था वो पायलट्स थे जो कि एयरक्राफ्ट उड़ाएंगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी ने पहली बार वुमेन फाइटर पायलट्स वुमेन पायलट्स उड़ाएंगे हेलीकॉप्टर्स को ठीक है तो आप ऐसा याद रख सकते हो कि पिछले साल मतलब दो में इंडियन नेवी ने यहाँ पर फर्स्ट टीम जो कि वुमेन टीम होगी जो कि एयरक्राफ्ट को उड़ाएगी उसको भी यहाँ पर कमीशन कर दिया और फर्स्ट टीम जो कि हेलीकॉप्टर्स को उड़ाएंगे उनको भी यहाँ पर कमीशन कर दिया ठीक है तो इनके नाम क्या है इनके नाम है लेफ्टिनेंट रीते सिंह और सब लेफ्टिनेंट कुमादनी त्यागी ये दोनों यहाँ पर इंडियन आ, इंडियन नेवी के लिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स को उड़ाएंगे ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने परमिट कर दिया था सेवेंटी तक एफ अंडर डिफेंस सेक्टर मतलब कि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ज़्यादा गवर्नमेंट हिस्सेदारी नहीं देती बाहर की कंपनीज को पर अब गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर में फोटी सेवेंटी फोर परसेंट तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया इससे गवर्नमेंट चाहती है गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी कंट्री में भी बड़ी बड़ी डिफेंस की कं कंपनियाँ खुलें बाहर से भी कंपनियां उसमें पैसा लगाएं ताकि हम भी डिफेंस का ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाकर उसको आगे बेच सके ठीक है तो ये कारण था गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको सेवेंटी फोर परसेंट तक अलाउ कर दिया ठीक है अगली चीज़ इंडियन एयरफोर्स ने फॉर्मली इंडक्ट किया राफेल फाइटर जेट्स को अंबाला में तो आपको याद होगा पिछले साल सितंबर में राफेल फाइटर जेट्स का पहला सेट आया था पाँच का उसके बाद फिर नवंबर के आसपास दूसरा सेट आया उसमें तीन था और रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले तीसरा सेट आया उसमें फिर से तीन थे तो पाँच प्लस तीन हो गए यहाँ पर आठ आठ प्लस तीन ग्यारह तो अब तक छत्तीस में से ग्यारह राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया को यहाँ पर मिल चुके ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट था आपने देखा होगा इसको टीवी पर भी देखा होगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस इवेंट को दी गई थी ठीक है और जो राफेल है हमने कहाँ से खरीदे ये हमने खरीदा एक फ्रांसी कंपनी से उसका नाम है डिसॉल्ट एविएशन तो फ्रांस की कंपनी डिसॉल्ट एविएशन से इंडिया ने खरीदे राफेल फाइटर जेट्स डिफेंस मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया कि जो एन है नेशनल कैडेट काफ्स दुनिया की सबसे बड़ी आप कह सकते हो डिसप्लिन ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन है एन डिफेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया हमारी कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अनाउंस किया कि एन को और वन सेवनटी थ्री बॉर्डर एरियाज़ और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट में एक्सपैंड किया जाएगा मतलब एन सी सी को और ज़्यादा बड़ा बनाया जाएगा मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन डाली एन सी सी के बारे में एन सी सी मतलब नेशनल कैडिट का ये एक यूथ विंग होता है तो यहाँ पर क्योंकि बच्चे इसलिए एक यूथ विंग है आर्म फोर्स का तो आपको पता होगा एन सी सी में आर्मी के कैडेट्स भी होते हैं एयरफोर्स के भी होते हैं नेवी के कैडेट्स भी होते हैं और इसको स्कूल और कॉलेज में आपको ऑफर किया जाता है कि अगर आप एन सी सी जॉइन करना चाहते हैं आप यहाँ पर कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट इंडिया ने बैन कर दी 101 तरह के डिफेंस के आइटम तो आपको पता होगा पिछले साल आत्मनिर्भर भारत को बहुत बड़े स्केल पर चलाया जा रहा था पर अगर आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंट बनना है तो उसका सबसे ज्यादा आपको जरूरत है डिफेंस में क्योंकि डिफेंस में हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं बाहर की कंट्री से तो पिछले साल 101 तरह के डिफेंस के आइटम्स को इंडिया ने बैन कर दिया कि अब हम ये बाहर से नहीं खरीदेंगे अगर एक सौ की लिस्ट में से कोई भी डिफेंस के आइटम की, की जरूरत पड़ेगी तो इंडिया में ही कोई कंपनी ढूंढ के उसे खरीदेंगे बाहर की किसी कंपनी से नहीं खरीदेंगे ठीक है इसको बैन करने का यह मतलब नहीं है कि इसको यूज ही नहीं करेंगे इन कैटेगरीज जो भी यहाँ पर दिया हुआ हो, हो सकता है इन एक एक आइटम में से एक आइटम हो पिस्टल तो पिस्टल इंडिया कभी भी बाहर से नहीं खरीदेगा इंडिया की ही कंपनी से उसको खरीदा जाएगा ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट एक यहाँ पर पॉलिसी uh, के बारे में बात की जाती है डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 इस पॉलिसी में सिंपली ये बताया जा रहा है कि इंडिया को अगले चार से पाँच सालों में एक बहुत बड़ा डिफेंस इंपोर्टर से शिफ्ट करके एक डिफेंस एक्सपोर्टर भी बनना है मतलब कि अभी हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं तो जो आप चीज़ ख़रीदते हैं उसको बोलते हैं इंपोर्टर हमने सुखोई थर्टी खरीदे राफेल ख़रीदे जैगवोर हमारे ऑलमोस्ट सारे जो एयरक्राफ्ट के बड़े बड़े प्लेन्स हैं हमने बाहर से ख़रीदे हैं ठीक है तो हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं इंडिया चाहता है कि हम खुद अपना डिफेंस का सामान बनाना शुरू करें और आने वाले दिनों में इसको एक्सपोर्ट करना शुरू करें दूसरी कंट्रीज को बेचना शुरू करें तो वो यहाँ पर बताया गया था डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी दो में नेक्स्ट तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है इंडक्शन ऑफ फर्स्ट सेट ऑफ फाइव राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट आपको बता दिया टोटल छत्तीस राफेल जेट्स की यहाँ पर डील करी है इंडिया ने किस कंपनी के साथ डसॉल्ट एविएशन जो कि फ्रांस की कंपनी इंडियन आर्मी ने यहाँ पर खोल दिया सियाचिन वैली को फॉर सिविलियंस ठीक है तो जो चाइना के साथ हमारा इशू चला था उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर को बंद किया हुआ था सिविलियंस वहाँ नहीं जा सकते थे पर रिसेंटली रिसेंटली मतलब पिछले साल इसको जुलाई में खोल लिया गया था ठीक है तो आपको मैं बता दूँ देखो ये जम्मू एंड कश्मीर का वो वाला मैप है जो आपने स्कूल्स में हर जगह देखा होगा ठीक है ये वो वाला मैप है आपको पता होगा पिछले साल पिछले सारी दो हज़ार में जम्मू गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाईफर्क्रेट कर दिया डिवाइड कर दिया दो यूनियन टेरिटरी में तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर बना दी लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू एंड कश्मीर यूनिटेडी तो मतलब ये वो मैप है जो हम हमेशा देखते होते थे ये गवर्नमेंट ने 2019 में कर दिया पर आपको पता होना चाहिए यहाँ पर ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है ऑन ग्राउंड जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट होती थी वहाँ पर दो इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं ये जो सारा हरा में आपको एरिया दिख रहा है इसको इंडिया में बोलते हैं पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर ये जो येलो में आपको एरिया दिख रहा है इसको इंडिया में बोलते हैं अक्सा चिन्ह तो येलो वाला एरिया ये चाइना ने इलीगली कैप्चर करके रखा हुआ है ये जो हरा वाला एरिया है पाकिस्तान ने इलीगली कैप्चर करके रखा हुआ है और जो ब्लू में एरिया बचा है ये ब्लू में एरिया इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन फोर्सेस के स्टैम पे कंट्रोल में ठीक है तो जो 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 है पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर और जो इंडिया के पास कंट्रोल में इस दोनों के बीच का जो लाइन है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल जो चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है इलीगली और जो इंडिया के कंट्रोल में इसके जो बीच की जो लाइन है इसको बोलते हैं एल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये जो तो सक्षशगाम वैली थी पहले पा, पाकिस्तान के कंट्रोल में होती थी पर सक्शाम वैली को पाकिस्तान ने गिफ्ट कर दिया था यहाँ पर चाइना को ठीक है तो ये आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए पी एट आई एयरक्राफ्ट तो आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इंडिया ने पी एट आई एयरक्राफ्ट के लिए डील करी है किस कंट्री के साथ करी है तो यू एस ए की एक बहुत बड़ी कंपनी है इसका नाम है बोइंग बोइंग से इंडिया ने खरीदे हैं पी एट आई एयरक्राफ्ट यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि चार और पी एट आई एयरक्राफ्ट इंडिया खरीदेगा और दो हज़ार इक्कीस में वो इंडिया को डिलीवर हो जाएंगे ये जो एयरक्राफ्ट है पी एट आई इसको पोसाइडन एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं और इसको सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया जाता है इसमें बहुत सारे रडार्स होते हैं तो इसको हवा में काफ़ी ऊंचाई पे उड़ाया जाता है जिसके थ्रू आप देखते हो कि जमीन पे क्या हो रहा है ओशनस में क्या हो रहा है ठीक है तो बहुत ही अच्छे एयरक्राफ्ट है जो इंडिया यूज़ करता है नेक्स्ट तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने लगा दिया बोइंग का जो पी एट प्रोसाइडन एयरक्राफ्ट है उसके बारे में कितने का ये पड़ता है हमको ठीक है और बोइंग कंपनी के बारे में मैंने आपको बता दिया बोइंग के आपने सुना होगा कि बोइंग के बहुत सारे प्लेन बनाता है ठीक है दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे एयर इंडिया है उसके अलावा जो इंडिगो है स्पाइस जेट है वो सब यहाँ पर बोइंग के प्लेन को यूज़ करती हैं ठीक है थीका? और बोइंग एक यूएस बेस्ड कंपनी है नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पर पैसेक्स एक्सरसाइज तो मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बताया था कि पैसेक्स एक्सरसाइज इंडिया करता है रशिया के साथ तो पैसेक्स एक्सरसाइज में इंडिया रशिया के साथ भी करता है और इंडिया यूएसए के साथ भी करता है इसको ध्यान में रखना ठीक है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिछले साल इंडिया ने पैसेक्स एक्सरसाइज करी रशिया के साथ और किस दूसरी कंट्री के साथ तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए इंडिया यूएस कंडक्ट पैसेक्स एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज की स्पेशलिटी क्या थी कि दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर था वो इस एक्सरसाइज में आया था वो यूएसए के पास था दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर उसका नाम है यूएसएस एस लिमिट्स अगर आपने से मुझे कोई बता सके इंडिया के पास इस टाइम पे सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है अगर कोई बता सके उसका नाम क्या है हमारे एक लौते एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम अगर किसी को पता है तो आप यहाँ पर जो लाइव चैट का ऑप्शन है उसको मेंशन कर सकते हो ठीक है आज मुझे थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि क्यों काफ़ी सारा सिलेबस है कवर करने का तो आप प्लीज़ बस सुनते रहना जितनी चीज़ आपको समझ लगती है उसको यहाँ पर आप नोट करते रहना ठीक है मतलब लिखना मत कहीं पर पर आप समझते रहना चीज़ों को तो मैंने आपसे भी एक क्वेश्चन पूछा हमारा एक लौता फाइटर सॉरी एक लौता एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या ठीक है तो यहां पर मैंने ये लगा दिया एक मैप लगा दिया इंडियन ओशन का ये दिखाने के लिए कि यहां पर कहीं इस रीजन में कहीं पर हमने इस पैसेक्स एक्सरसाइज को किया था इंडिया और यूएसए ने मिलकर ठीक है यहां पर बताया जा रहा है कि बोइंग जो कि एक यूएसए की कंपनी है जिससे मैंने अभी आपको बताया बोइंग से हम पी ए टाइप प्रोसाइडर एयरक्राफ्ट भी खरीदते हैं बोइंग ने 37 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की जो डिलीवरी थी वो इंडिया को कर दी ठीक है तो हमने कौन से हे हेलीकॉप्टर खरीदे थे बोइंग से हमने जो टोटल 37 हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे बोइंग से उसमें से 22 तो थे अपाचे और 15 थे शिनूक मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो ऊपर आप हेलीकॉप्टर देख रहे हो ठीक है ये अटैक हेलीकॉप्टर इसको बोलते हैं अपाचे ये जो नीचे देख रहे हो ये हैवी लिफ्ट ये उठाने का हेलीकॉप्टर ये सामान उठाता है इसको बोलते हैं शिनूक तो हमने टोटल सैंतीस खरीदे जिस थे जिसमें से बाईस थे अपाचे और पंद्रह थे यहाँ पर शिनूक इनकी डिलीवरी बोइंग ने पूरी कर दी मतलब ये जो डील थी इसको यहाँ पर पूरा कर दिया गया ठीक है देखो किरत मैं आपसे पूछा था कि हमारी कंट्री का एक लौता एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है आपने जो आंसर किया तेजस वो हमारी कंट्री का एक लौता फाइटर है जो हम खुद बनाते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर का सही आंसर है आई एन एस विक्रमा आदित्य तो आई एन एस विक्रम आदित्य एक लौता एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि इस टाइम पे इंडियन नेवी या फिर आपको इंडिया यूज़ करता है ठीक है और वो हमने रशिया से खरीदा था इंडियन नेवी ने कंप्लीट किया ऑपरेशन समुद्र सेतु तो समुद्र सेतु का मेन मोटिव क्या था आपको पता होगा वंदे भारत मिशन चलाया गया था दो में इसके अंदर जो भी इंडियंस फंसे हुए थे बाहर उनको वापस लेके आया जा रहा था तो इंडियन नेवी ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था वंदे भारत मिशन में कैसे पार्टिसिपेट किया इंडियन नेवी ने क्या किया जो आसपास की कंट्रीज है हमारी वहाँ पर शिप्स पे जाके इंडियंस को वापस लेके आए थे ठीक है तो उसी का नाम रखा गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु ठीक है तो शिवानी जो आप यहाँ पर तेजस लिख रहे हो ठीक है आप लोग सही बोल रहे हो तेजस हमारी कंट्री का एक लौता फाइटर एयरक्राफ्ट है जो हम खुद बनाते हैं मैंने आपसे पूछा था हमारी कंट्री का एयरक्राफ्ट कैरियर तो एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब एक बहुत बड़ा जहाज होता है ठीक है शिप होता है जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट आकर लैंड भी कर सकता है वहाँ से टेक ऑफ भी कर सकता है आगे एक मेरे पास अगर इमेज आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा एयरक्राफ्ट कैरियर की तो हमारा जो एक लौता है एयरक्राफ्ट कैरियर उसका नाम है आई एन एस आई एन एस मतलब इंडियन नेवरशिप विक्रम आदित्य ठीक है डिफेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया परचेज़ ऑफ थर्टी थ्री न्यू फाइटर जेट्स ठीक है तो जब भी चाइना के साथ इशू चल रहा था उस टाइम पर हमने यहाँ अनाउंस किया कि हम तैतीस नए फाइटर एयरक्राफ्ट्स खरीदेंगे अब किससे खरीदेंगे हम ये खरीदेंगे रशिया से ठीक है मिग ट्वेंटी नाइन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हम और खरीदेंगे और जो पुराने हमारे पास पड़े उनको यहाँ पर अपग्रेड करवा लेंगे तो ये सब हमको करना पड़ा क्योंकि चाइना के साथ जो हमारा इशू था वो बहुत ज़्यादा खराब हुआ था ठीक है तो लविश जब बोल रहे हो मिशन सागर ऑल्सो ठीक है तो आप जो सागर इनिशिएटिव हमारी कंट्री है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ सागर इनिशिएटिव है सिक्योरिटीज़ एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन ठीक है तो जो सागर इनिशिएटिव है उसके अंदर इंडिया अपनी आसपास की कंट्रीज़ को मदद करता है सागर के अंदर ठीक है तो सागर के अंदर हम इंडियंस को वापस नहीं लेकर आए थे सागर इनिशिएटिव के अंदर इंडिया क्या करता है अपनी आसपास की कंट्रीज़ को हेल्प करता है किसी को अगर खाने पीने के आइटम चाहिए किसी को दवाइयाँ चाहिए ये सब चीज़ें हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं ठीक है उसको बोलते हैं सागर इनिशिएटिव नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ है फर्स्ट टाइम इंडिया का एक ट्राई सर्विसेज कंटीजेंट ठीक है उसने पार्टिसिपेट किया था इंडिया के बाहर रशिया के विक्ट्री ड्रे परेड में अब ट्राई सर्विस एंड कैंडिडेट मतलब इंडिया जिसमें इंडियन आर्मी एयरफोर्स और नेवी ठीक है तीनों है तो ये हुआ कब था तो रशिया मई मंथ में 2020 के मई मही के महीने में यहाँ पर सेलिब्रेट करा था अपने 75 इयर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू रशिया वर्ल्ड वॉर टू में विनिंग साइड में था जो कंट्री जीती थी उसमें रशिया था तो वो अपने पचहत्तर साल पूरे कर रहे थे तो वहाँ पर इंडियन आर्मी नेवी और एयरफोर्स का एक ट्राई सर्विसेज कंटीजेंट भी गया था उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है ठीक है यहाँ पर क्या बताया जा रहा है मैंने आपको बताया कि जो हम अक्सर चीन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एल तो एल को प्रोटेक्ट करता है या फिर पूरे इंडिया चाइना को इंडिया चाइना के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करता है इंडिया की तरफ से आई टी बी पी इंडो टबिटियन बॉर्डर पुलिस ठीक है तो आई टी बी पी ने जो चाइना की हालत है उसको देखते हुए दो नई कमांड्स यहाँ पर सेंक्शन कर दिए तो आई टी बी पी अपने आपको और ज़्यादा ग्रो कर रही है ताकि चाइना के साथ जो बॉर्डर है उसको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा सके ठीक है तो ये मैंने आपको फिर से एक बार मैप दिखा दिया ये जो लाइन है जो इंडिया और पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में इसको बोलते हैं एल ओ सी लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया और चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर के बीच में जिसको ऑक्साइजन बोलते हैं उसको बोलते हैं एल ए सी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तो पूरा इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है उसको यहाँ पर कौन प्रोटेक्ट करता है उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है आई टी बी पी इंडो टिबिटन बॉर्डर पुलिस ठीक है यहाँ पर न्यूज़ क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब डिसाइड कर लिया कि दुनिया की एक लौती जो कैवलरी है हाउस हॉर्स सर्विंग कैवलरी मतलब एक ऐसी फोर्स जो आज भी घोड़ा ऐसा नहीं कि हर टाइम ये घोड़ों को यूज़ करते हैं पर इसको बोला जाता है दुनिया की एक लौती हॉर्स हो, सर्विंग कैवलरी अब इसको एक रेगुलर आर्मड रेजिमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ठीक है तो जो एक लौती दुनिया में बची थी हॉर्स सर्विंग कैवेलरी इसका नाम था सिक्सटी फर्स्ट कैवेरी था तो आप इसको याद रख सकते हो कि सिक्सटी फर्स्ट कैवेलरी थी जो दुनिया की एक लौती हॉर्स सर्विंग कैवलरी थी अब इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा एक आर्मड रेजिमेंट के अंदर ठीक है तो अब यहाँ पर अप्रैल की न्यूज़ आ गई है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो डिफेंस के बाद में हमने जितना भी पिछले छः महीने के बाद में पढ़ना था वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया ठीक है नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है गवर्नमेंट स्कीम्स की तो आज आपका जितना भी बच गया ठीक है थीके? आज बस आपकी ये लास्ट क्लास होगी रिवीजन की जितना भी आपकी जो कैटेगरीज बच गई हैं तीन इंपॉर्टेंट कैटगरीज थी डिफेंस गवर्नमेंट स्कीम्स और रिपोर्ट्स और इंडस्ट्रीज तो डिफेंस हमने कर लिया अब हम करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स ठीक है थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि तभी हमारे सब कुछ कम्प्लीट हो पाएगा ठीक है तो यहाँ पर चलते हैं सेकेंड कैटेगरी पर गवर्नमेंट स्कीम्स पर तो गवर्नमेंट स्कीम है सबसे पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड स्कीम है किसान कल्याण मिशन ऑफ़ उत्तर प्रदेश तो किसान कल्याण मिशन ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने तो क्या अनाउंस किया उत्तर प्रदेश जिसकी जो कि इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है ठीक है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्कीस करोड़ के आसपास पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की जिनके चीफ मिनिस्टर का नाम है योगी आदित्यनाथ इन्होंने अनाउंस किया किसान कल्याण मिशन चलाया जाएगा उत्तर प्रदेश में जिस मिशन के अंदर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि उनकी कंट्री के अंदर सॉरी उनकी स्टेट के अंदर जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल किया जा सके तो किसान कल्याण मिशन अगर आपसे पूछा जाए रिसेंटली इंडिया के किस स्टेट ने शुरू किया था तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश सेकेंड जो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम में न्यूज है लाइट हाउस प्रोजेक्ट तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या किस चीज़ से रिलेट करता है हमारे यहाँ पर एक स्कीम चलती है हाउसिंग फॉर ऑल इंडिया चाहता है कि हम लोग सबको यहाँ पर घर बना के दे सके ठीक है तो घर बनाने के लिए आपको बहुत सारे घर बनाने पड़ेंगे तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंदर रिसेंटली हमने यहाँ पर इंडिया की छः सिटीज़ में हर एक सिटी में हज़ार हज़ार घर बनाए थे मतलब टोटल छः हज़ार घर ठीक है तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट किससे जुड़ा हुआ है घर बनाने से तो या फिर इसको आप जोड़ सकते हो एक स्कीम से इसका नाम है हाउसिंग फॉर ऑल या फिर पी आवास योजना स्कीम नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स यहाँ पर जो आप बोले थे आ, कौन बोला था लविश जो आप बोल रहे थे सागर मिशन तो यहाँ पर बताया गया है मिशन सागर का पार्ट थ्री रिसेंटली यहाँ चलाया गया था इसके अंदर हमने कंबोडिया को हेल्प किया तो जब पार्ट टू चलाया गया था तब हमने किसी और कंट्री को हेल्प किया जब पार्ट वन चलाया गया था तब किसी और कंट्री को हेल्प किया तो सागर की फुल फॉर्म क्या है इसके फॉर्म शायद मैंने नहीं, नहीं यहाँ लिखी नहीं है इसकी फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन तो इसके अंदर इंडिया अपने आसपास की कंट्रीज़ को यहाँ पर अगर उनको फूड असिस्टेंस चाहिए उनको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ गई है वॉर आ गई है कुछ भी है तो इंडिया उनको हेल्प करता है अंडर दी सागर मिशन ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम की न्यूज है किसान रेल तो किसान रेल एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है जो एक नॉर्मल ट्रेन होती है उसके अंदर दो डब्बे और बढ़ा देती है और उन दो डब्बों को रेफ्रिजरेटेड डब्बे कर देती है वहाँ पर अंदर कुछ एयर कंडीशनिंग कर देती है और हमारी कंट्री के किसानों को बोलती है कि अगर आपको कोई भी सामान कोई भी चीज़ मान लो किसी को फ्रूट्स किसी किसान को फ्लावर्स किसी किसान को यहाँ पर सब्जियाँ कुछ भी ऐसा भेजना है इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने में तो वो किसान किसान रेल प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी ट्रेन में जो भी उसको सूट करती है ट्रेन उस ट्रेन में अपने सामान को यहाँ पर एक जगह बुक करके वहाँ पर रख सकता है और उसको जहाँ पर भी भेजना है इंडिया में भेज सकता है ठीक है तो ये जो इनिशियेटिव इसको बोलते हैं किसान रेल इनिशिएटिव ऑफ इंडिया तो कुछ दिसंबर के महीने में हमने अपनी कंट्री की सौवीं किसान रेल यहाँ पर चलाई थी ठीक है तो सौवीं किसान रेल यहाँ पर महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल तक गई थी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है किसान रेल इनिशिएटिव ऑफ इंडिया और इसमें ज़्यादातर हम पैरिशेबल आइटम्स को भेजते हैं पेरिशेबल आइटम वो आइटम होती है जो टाइम के साथ जल्दी ख़राब हो जाती है जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स मीट प्रोडक्ट्स फ्लावर्स फ्रूट्स वेजिटेबल इन सबको बोलते हैं पेरिशेबल आइटम्स नेक्स्ट स्कीम है पी किसान स्कीम तो पी किसान स्कीम या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इस स्कीम के अंदर करते क्या कोई भी स्मॉल और मार्जलाइज फार्मर अगर इंडियन गवर्नमेंट के साथ जुड़ता है स्कीम के अंदर तो उसको एक साल में छः हज़ार रुपये दिए जाते हैं अब वो वो छः हज़ार रुपये का वो किसान कैसे यूज़ करना चाहता है वो उसकी मर्जी ठीक है तो उसके अकाउंट में छः हज़ार रुपये डाल दिए जाएंगे एक साल में पीएम किसान स्कीम के अंदर जो छः हज़ार रुपये दिए जाते हैं किसान को वो दो दो हज़ार की तीन इंस्टॉलमेंट दी जाती है पूरे साल में ठीक है तो आप यहाँ पर अभी ये इंपॉर्टेंट भी चल रहा है क्योंकि जो फार्मर्स है वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं ठीक है तो ये इस टाइम पे इंपॉर्टेंट स्कीम है पी किसान स्कीम आप इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पर पी एम वाणी स्कीम पी एम वाणी स्कीम के अंदर इसकी फुल फॉर्म क्या है पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस तो एक तरह से हमारी कंट्री में जो वाईफाई है उसको और ज़्यादा बड़े स्केल पे अवेलेबल कराया जाएगा जैसे आपको याद होगा पुराने टाइम पे जो पी सी ओ होते हैं जिससे आप कॉल करते थे उसी तरह का कुछ नेटवर्क बनाया जाएगा ताकि जगह जगह वाई फाई अवेलेबल कराया जा सके तो पी एम वानी के अंदर क्या होगा पब्लिक वाई फाई एस एस नेटवर्क इंटरफेस हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा वाई फाई नटवर्कस को बनाया जाएगा ठीक है खेलो इंडिया सेंटर्स तो खेलो इंडिया सेंटर्स के अंदर क्या किया जाएगा देखो खेलो इंडिया वैसे तो हमारी कंट्री में एक गेम्स होती है खेलो इंडिया गेम्स तो खेलो इंडिया सेंटर्स के अंदर क्या होगा हज़ार खेलो इंडिया सेंटर्स इंडिया में खोले जाएंगे ताकि जो भी बच्चे यहाँ पर सीखना चाहते हैं हो सकता है आगे जाकर वो इंडिया को रिप्रेजेंट करें उनके लिए यहाँ पर एक सेंटर बना दिया जाएगा जहाँ पर जाके वो कोई भी स्पोर्ट जो उनको अच्छा लगता है वो सीख सकते हैं तो एक तो यहाँ पर जो एथलीट्स है उनको फ़ायदा होगा दूसरा यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा मान लो एक गाँव में या फिर एक शहर में खेलो इंडिया सेंटर बना अगर वहाँ पर कोई भी ऐसा एथलीट है जो अब रिटायर हो चुका है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका है तो उसको वहाँ जॉब भी ऑफर की जा सकती है तो दोनों तरफ से यहाँ पर गवर्नमेंट अपना फ़ायदा देख रही है मतलब अपना नहीं गवर्नमेंट यहाँ पर कंट्री का फायदा देख रही है ठीक है तो खेलो इंडिया सेंटर्स को यहाँ पर कौन मैनेज करेगा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ठीक है हमारी कंट्री में इस मिनिस्ट्री को संभालते कौन है तो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को संभालते हम इसके ऑफिस इसके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है किरण रिजिजू ठीक है तो किरण रिजिजू संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ़ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है प्रगति प्रगति क्या? क्या है प्रगति के यहाँ पर फुल फॉर्म है प्रो एक्टिव गवर्नेस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन प्रगति एक इस तरह का आप कह लो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लोग आते हैं एक तरफ से यहाँ पर जो वेरियस मिनिस्ट्री जैसे रेलवे मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट वहाँ से लोग आते हैं और तीसरी तरफ से यहाँ पर लोग आते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं प्रगति के अंदर मेन काम क्या है जो भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी खत्म करो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पूछा आता है क्या क्या चीज़ें पेंडिंग है ठीक है फिर वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बताती है कि ये सब हमारी तरफ से हो चुका है ये सब चीज़ें पेंडिंग है तो प्रगति एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कंट्री में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको ज़्यादा तेज़ी से चलाने का कोशिश की जाती है ठीक है इसको बोलते हैं प्रगति नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताया जा रहा है नेक्स्ट बोला रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेस हर घर नल योजना इन उत्तर प्रदेश तो हर घर नल योजना तो नाम से पता लग रहा है इसके अंदर हमको हमारी कंट्री के सारे घरों तक टैप वाटर पहुँचाना है ठीक है हर घर नल योजना में हमको हमारी कंट्री के जो सारे घर हैं वहाँ टैप वाटर पहुँचाना है, है। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन सी स्टेट में प्राइम मिनिस्टर ने हर घर नल योजना को यहाँ पर शुरू किया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश स्टेट में हर घर नल योजना को प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर शुरू किया था ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पर स्कीम उसका नाम है स्वामित्वा स्कीम या फिर स्वामित्रा स्कीम ठीक है तो स्वामित्रा सुरक्षा चैलेंज या फिर स्वामित्वा स्कीम के अंदर हम क्या करना चाहते हैं जो आज भी हमारी कंट्री में जो नालियाँ होती हैं ठीक है जिसको सीवर सिस्टम बोलते हैं जो सीवर सिस्टम होता है आज भी उसको क्लीन करने के लिए मैन्यूली लोगों को उतरना पड़ता है इन नालियों में इन सीवर सिस्टम में तो स्वामित्व सुरक्षा चैलेंज के अंदर हम चाहते हैं कि मैनुअली इनको साफ ना किया जाए यहाँ पर मशीन्स को या किसी और चीज़ के थ्रू सीवर सिस्टम को क्लीन किया जाए तो ये जो चैलेंज इसको बोलते हैं या फिर स्कीम को बोलते हैं स्वामित्वा स्कीम ठीक है नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज 4.0 तो जो बीस लाख करोड़ का पैकेज पिछले साल आया था उसको बोला गया था इकनोमिक स्टिमुलसकेज वन पॉइंट ओ फिर उसके बाद डेढ़ लाख का पैकेज आया उसको बोला गया ऐसे करते करते चार पैकेज आए थे तो यहां पर बात की जा रही है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया था इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज फोर पॉइंट ओ इस पैकेज के अंदर मेजरली बात की गई थी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जिसको कि पी स्कीम भी बोलते हैं ठीक है तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज फोर पॉइंट किया था ये मेन रिलेट करता था प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के साथ आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि ये पी स्कीम से रिलेट करता है ठीक है इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज फोर और पी स्कीम के अंदर गवर्नमेंट क्या चाहती है गवर्नमेंट चाहती है कि कोई भी कंपनी इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करती है तो हम उसको कुछ हद तक फायदा पहुँचाएँ उसको टैक्स कम देना पड़े इन सब चीज़ों के थ्रू गवर्नमेंट यहाँ पर पी स्कीम को चलाती है ठीक है तो यहाँ पर पूरा बताया गया है कि जो 20 लाख करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था उसमें कितना पैसा किसको मिलना था ठीक है थोड़ा आइडिया कर यहाँ पर डाला गया नेक्स्ट नेक्स्ट है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंदर क्या होता है अगर कोई भी ऐसा फार्मर है हमारी कंट्री का जो मान लो जम्मू एंड कश्मीर में है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है अब वहाँ तो ना रेलवे पहुँचती है और वहाँ पर प्रॉपर रोड नेटवर्क भी नहीं है अब वो वो किसान चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है उसको इंडिया में और जगह बेचा जाए तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा उसको यहाँ पर एक एयरप्लेन ठीक है जो एयरप्लेन भी कई होता है जो सिर्फ सामान के लिए होता है ठीक है वो गुड्स लेके जाते हैं तो उस किसान को यहाँ पर एयरप्लेन के थ्रू तो अपना सामान बेचना पड़ेगा एक जगह से दूसरी जगह अब उसका कुछ खर्चा आएगा पर गवर्नमेंट क्या कहती है गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप इस तरह से ठीक है एयरप्लेन के थ्रू तो अपना सामान बेचते हो तो हम यहाँ पर आपको ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंदर फिफ्टी परसेंट तक सब्सिडी देंगे तो अगर आपके तीन हज़ार रुपये खर्च हो गए तो उसमें से पंद्रह सौ रुपये हम आपको वापस दे देंगे तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है कि जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर सब्सिडी देती है अगर वो अपना सामान और ये कुछ ही स्टेट्स के लिए हर स्टेट में ये नहीं किया जाएगा जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स है सिर्फ वहीं से अगर कोई फार्म अपना सामान एक एयरप्लेन के थ्रू इंडिया में कहीं और बेचता है तो उस पर गवर्नमेंट उसको पचास परसेंट सब्सिडी दे देती है ठीक है यहाँ पर वही चीज़ आगे जो मैंने आपको बताया था पी तो यूनियन कैबिनेट ने जो पी प्रोडक्शन लिंक् इंसेंटिव स्कीम है उसको और दस सेक्टर्स के लिए अप्रूव कर दिया था ठीक है तो पी स्कीम यहाँ पर लिखा भी हो कौन कौन से सेक्टर्स के लिए अप्रूव किया गया था ज़्यादातर पी एल आई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को उन सेक्टर्स में चलाया जाता है जहाँ पर इंडिया अच्छे से मैनुफैक्चरिंग नहीं कर पाता जैसे एडवांस केमिस्ट्री सेल्स बैटरी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स फार्मास्यूटिकल ड्रग ये वो सब चीज़ें है जिस पर हम डिपेंड करते हैं ठीक है इन सब चीज़ों को हम ज्यादातर खरीदते हैं चाइना ऐसी कंट्री से तो इंडिया क्या चाहता है कि पी एल आई के थ्रू हम ये सब इंडिया में ही बनाना शुरू कर दिए दस की दस जो कैटेगरीज हैं इसको इंडिया में बनाना शुरू कर दिए इसलिए इसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ठीक है स्वामित्व स्कीम स्वामित्व स्कीम क्या है स्वामित्वा स्कीम की एक है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी स्वामित्वा स्कीम के अंदर हम क्या चाहते हैं कि पहले तो हम अपना जो रूरल एरिया जो विलेज का एरिया उसको अच्छे से मैप करें ठीक है हम समझें कि कहाँ पर क्या चीज़ है कहाँ पर एक विलेज में स्कूल है कहाँ पर किसका लैंड है तो पहले तो आपको मैपिंग करनी पड़ेगी इंडिया के विलेज एरिया की फिर स्वामित्व के अंदर आप सेकेंड चीज क्या करोगे जब आपने एक बार मैप कर लिया आपको समझ लग गया फिर आप जिन जिन लोगों की जमीन है गाँव में उनको प्रॉपर्टी कार्ड दोगे कि स्वामित्व स्कीम के अंदर हमको पता चला ये जमीन आपकी है इसको इसके लिए आप ये प्रॉपर्टी कार्ड लो और वो जो प्रॉपर्टी कार्ड है उस प्रॉपर्टी कार्ड से वो जो किसान है हो सकता है आगे जाके वो बैंक से लोन ले ले या फिर और किसी तरह से उस प्रॉपर्टी कार्ड को यूज़ कर ले ठीक है तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है स्वामित्वा स्कीम समाधिधि ठीक है तो पी एम स्कीम तो स्वाधिनी क्या है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्कीम ठीक है तो या फिर प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि स्कीम तो पीएम स्वाधीनी के अंदर किया क्या गया था आपको पता था बहुत सारे रेडी वाले जिनको हम हॉकर कह देते हैं ठीक है बहुत सारे रेडी वाले ऐसे लोग हैं जो कि लॉकडाउन में अपना काम नहीं चला सके ठीक है इनके पास नहीं कुछ पैसे नहीं थे इनके पास कुछ तो गवर्नमेंट ने क्या किया पीएम स्वाधीन स्कीम के अंदर इनको कुछ कुछ पैसे देने शुरू किए ठीक है तो इस स्कीम के अंदर जो बेनिफिशरीज थे वो कौन थे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या फिर जिनको हॉकर्स कह देते हैं ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया हमारी कंट्री की पंद्रह स्टेट्स में फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना मतलब फोर्टिफिकेशन अब यहाँ पर बोल रहे हैं राइस की फोर्टिफिकेशन करना मतलब राइस जो है चावल है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ा देना तो मान लो एक चावल है वो आपकी बॉडी में कम हद तक न्यूट्रिएंट्स देता है अगर आप राइस को फोर्टिफाई कर दो, कर दो तो कर दोगे तो वही जो सेम राइस है वो और ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू इसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन ठीक है तो राइस की फोर्टिफिकेशन को हमारी कंट्री की पंद्रह स्टेट्स में किया जाएगा वो यहाँ पर बताया जा रहा है ठीक है मिशन सागर टू तो हमने मिशन सागर थ्री थ्री की बात करी थी तो क्योंकि हम टाइम में पीछे जा रहे हैं ठीक है हम प्रेजेंट से पीछे जा रहे हैं तो मिशन सागर थ्री की बात हमने कर ली थी मिशन सागर टू में इंडिया ने यहाँ पर हेल्प करी थी दो कंट्रीज की वो कंट्री कौन कौन सी थी हमने यहाँ पर कोशिश क्या करी कि सूडान ठीक है जो सूडान है उसको हेल्प करें और सूडान के साथ जो साउथ सूडान है और कंट्री है उनको हम हेल्प करें अंडर दी मिशन सागर टू ठीक है तो यहाँ पर मैंने आपको मैप पे दिखाने की कोशिश करी ये आपको मिलेगा सूडान और ये आपको मिलेगा साउथ सूडान तो हमने यहाँ पर किया क्या हमने यहाँ पर इनको कुछ हद तक दवाइयाँ दी कुछ हद तक खाने पीने की चीज़ें दी ठीक है तो सागर इनिशिएटिव है उसका सागर का पूरा फुल फॉर्म क्या है सिक्योरिटीज़ एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन ये इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इसको बोलते हैं सागर इनिशिएटिव ठीक है इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा असम में आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारी कंट्री का एक बहुत ही बड़ा लॉजिस्टिक पार्क या फिर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा असम में इसको बनाया जा रहा है नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है उड़ान स्कीम तो उड़ान स्कीम के अंदर नए सेवेंटी एट रूट्स को ऐड कर दिया गया ठीक है तो उड़ान स्कीम की फुल फॉर्म क्या आपको पता होना चाहिए उड़े देश का आम नागरिक तो उड़ान स्कीम के अंदर गवर्नमेंट चाहती है कि जो सिविल एविएशन है जो एयरक्राफ्ट के थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं उसको और ज़्यादा ईजी बना लें या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जाएँ इंडिया की मिडिल क्लास भी यहाँ पर प्लेन के थ्रू ट्रैवल कर सके इसको बोलते हैं उड़ान स्कीम ठीक है नेक्स्ट तो ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट ये पुरानी चीज़ें ठीक है नेक्स्ट गवर्नमेंट ये भी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हाँ बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020 तो जो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल है इसके अंदर आपको एक चीज़ याद रखनी है हमारी कंट्री में जो बैंक हैं वो तीन तरह के होते हैं प्राइवेट बैंक पब्लिक बैंक और कॉपोशन बैंक ठीक है प्राइवेट मतलब जो प्राइवेट बैंक हुआ पब्लिक मतलब सरकारी बैंक और कॉपोरेशन बैंक है जो स्टेट्स में या रूरल एरिया में काम करते हैं तो बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल दो के हिसाब से जो कॉपोशन बैंक हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर का कंट्रोल बढ़ा दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल बढ़ा दिया तो यही था बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल दो एक और स्कीम की बात की जा रही है फेम स्कीम फेम की फॉर्म क्या है फेम की फॉर्म है फास्टर अडोप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स फेम स्कीम के अंदर हम क्या चाहते हैं कि इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक वीकल उनको ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जाए ठीक है तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि रिसेंटली गवर्नमेंट अनाउंस किया था फेम स्कीम के अंदर छः सौ सत्तर नए इलेक्ट्रिक बसेस को और टू फोर्टी वन चार्जिंग स्टेशन को यहाँ पर खोला जाएगा ठीक है तो ये स्कीम का नाम है फेम स्कीम छः साल ऑफ स्वच्छ भारत मिशन को सेलिब्रेट किया गया 2020 की गांधी जयंती में तो 2020 की जब गांधी जयंती थी 2 अक्टूबर को तब छः साल पूरे हो गए यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन के तो स्वच्छ भारत मिशन तो आपको पता है इंडिया को ज्यादा से ज्यादा क्लीन बनाना ठीक है तो 2014 में इसको शुरू किया गया था और में इसके छः साल पूरे हो गए नेक्स्ट यहाँ प्रोफेसर स्वामित्व स्कीम के बारे में बात आ गई कि प्रॉपर्टी कार्ड्स दिए जाएंगे मैंने आपको बता दिया स्वामित्वा के अंदर पहले आप मैपिंग करोगे पूरा मैप समझोगे यहाँ पर रूरल एरियाज़ के हो सकता है सैटेलाइट से ड्रोन के थ्रू और मैपिंग करनी पड़े और उसके बाद आप यहाँ पर प्रॉपर्टी कार्ड्स बांटोगे जिन जिन लोगों की ज़मीन आपको यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है मिशन सक, शक्ति अगर आपसे पूछा है रिसेंटली इंडिया की कौन सी स्टेट में मिशन शक्ति लॉन्च किया गया था तो इसको लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश में क्यों लॉन्च किया गया था मिशन शक्ति के थ्रू यहाँ पर कोशिश ये की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश को ज़्यादा सेफ़ बनाया जा सके फॉर वुमेन ठीक है स्वाधिनी स्कीम तो स्वाधिनी आपको मैंने अभी बताया प्राइम मिनिस्टर्स स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर स्कीम ठीक है तो इसका मतलब क्या था कि जो स्ट्रीट वेंडर है जो गली में रेडी वाले हैं जो हॉकर्स हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट दिया जा सके क्योंकि वो लॉकडाउन में ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे उनको अलाउड नहीं था तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि पी एम स्कीम के अंदर यूपी यहाँ पर रैंक वन पे रहा ठीक है ये आपके लिए वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हाँ प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया था आरोग्य वन एक तरह से यहाँ पर नेचर के बारे में बताया गया था ठीक है तो आपसे पूछा सकते हैं कि आरोग्य वन को कहाँ इनाग्रेट किया गया था तो गुजरात में केवड़िया जगह जहाँ पर आरोग्य वन को इनाग्रेट किया गया था हरितपट हरितपट क्या ये एक ऐप है जिस ऐप के थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी कंट्री में आपकी स्टेट के आसपास कहाँ पर आपके घर के आसपास कहाँ पर एक नेशनल हाईवे बन रहा है और उस नेशनल हाईवे के ऊपर क्या क्या ग्रीनरी प्रोजेक्ट्स आएंगे क्या उस पर पेड़ लगाए जाएंगे तो हरित हरितपट के अंदर जो हमारी कंट्री में नेशनल हाईवेज़ बन रहे हैं उसके आसपास क्या ग्रीनरी के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो यहाँ पर बात की जाएगी ठीक है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको एन बोलते हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एन को बनाया गया था नाइनटीन में इसका काम है हमारी कंट्री में बहुत अच्छे नेशनल हाईवेज़ वर्ल्ड क्लास के नेशनल हाईवेज़ को बनाना ठीक है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था आत्मनिर्भर भारत सप्ताह को तो पिछले साल अगस्त मंथ में एक हफ्ते के लिए ये इवेंट रखा गया था इसका मतलब क्या है इसका काम है ज्यादा से ज्यादा इंडिया में ज्यादा से ज्यादा जो डिफेंस का सामान है वो हम खुद बनाना शुरू करें बाहर से मंगाना बंद करते हैं ठीक है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम तो आपको पता होगा जो राशन कार्ड है वो एक स्टेट स्पेसिफाइड चीज होती है मतलब आपका राशन कार्ड आपकी स्टेट के हिसाब से चलता है पर वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंदर क्या किया जाएगा इसके अंदर ये किया जाएगा कि जो आपके राशन कार्ड है ठीक है उसको पूरी कंट्री में आप यूज़ कर सकते हो तो ये अभी स्कीम सारी स्टेट्स और यूटीज़ में नहीं एक्सटेंड हुई है पर अभी कुछ ही कुछ ही आने वाले टाइम में इसको पूरी स्टेट और यूटीज़ में चला दिया जाएगा जिसके थ्रू एक राशन कार्ड को इंडिया में कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है ठीक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 तो स्वच्छ सर्वेक्षण में हर साल जो आता है उसमें बताते हैं हमारी कंट्री की क्लीन सिटीज़ कौन सी है तो 2020 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण था उसमें लगातार चौथी बार लगातार फोर्थ टाइम इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की एक सिटी है उसको सिटी ऑफ इंडिया का यहाँ पर टाइटल मिला तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर सबसे क्लीन सिटी थी दूसरे नंबर पर था यहाँ पर सूरत उसके अलावा तीसरे नंबर पर था नवी मुंबई तो इंडिया के तीन सबसे साफ सिटीज़ का नाम यहाँ पर बताया गया ठीक है एक और कैटेगरी डाली गई थी स्वच्छ सर्वेक्षण में उस कैटेगरी का नाम था गंगा टाउन कैटेगरी तो उसमें वाराणसी जो सिटी है उसको नंबर वन रैंक यहां पर दिया गया ठीक है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपको पता होगा पिछले साल इसको लेकर आए थे अभी तो इसके अंदर जो भी कुछ अनाउंस किया गया उसको चेंज होने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि स्टेट्स की भी आपको यहाँ पर अप्रूवल लेना पड़ेगा पर हाँ एक चीज़ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ आ गया कि अब हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया उसका पुराना नाम होता था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ एच ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो एच मिनिस्ट्री का नया नाम हो चुका है एजुकेशन मिनिस्ट्री ठीक है तो ये एक बहुत बड़ा फर्क आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्या है पहले हमारे यहाँ पर ये तीन तरह के स्ट्रक्चर चलते हैं ठीक है जैसे पहले आपकी नर्सरी एल के जी यू के जी ये सब आ जाता था फिर फर्स्ट से लेकर टेंथ तक की क्लास है और फिर प्लस वन प्लस टू इसको चेंज करके गवर्नमेंट यहाँ पर चार स्टेज लेके आना चाहती है सबसे ब्लू वाला सबसे छोटा होगा मतलब सबसे पहले आएगा फाउंडेशनल स्टेज फिर आएगा पैपेटरी स्टेज फिर आएगा मिडिल स्टेज और लास्ट में आएगा सेकेंडरी स्टेज इसके थ्रू गवर्नमेंट चाहती है कि पहले तो बच्चे के ऊपर ऐसा प्रेशर ना डालो कि इसी तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ सकते बच्चों का पूरा ऑप्शन दो जो उसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है दूसरा यहाँ पर गवर्नमेंट क्या चाहती है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू कि आप बच्चों को चॉइस दो कि वो कलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है अगर वो चाहता है वो साइंस के साथ कोई और सब्जेक्ट रख सकता है ठीक है एक बहुत ही कम एज में आप उसके ऊपर बहुत सारा पढ़ पढ़ने का और होमवर्क इन सब चीज़ों का यहाँ पर प्रेशर ना डालो तो ये नए जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका ये असल में स्ट्रक्चर रखा गया ठीक है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना आपसे पूछा सकता है कि रिसेंटली इंडिया की कौन सी स्टेट या डिस्ट या, या यूटी में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को शुरू किया गया था इसका सही आंसर है दिल्ली में इसको शुरू किया गया था ठीक है 8.8 करोड़ लोगों ने यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विसेज अवेल करी पूरे लॉकडाउन के टाइम में किस स्कीम के अंदर स्कीम का नाम है आयुष्मान भारत स्कीम अगर आपसे पूछा है हमारी कंट्री में हेल्थ को लेकर सबसे बड़ी स्कीम कौन सी है तो आयुष्मान भारत स्कीम सबसे बड़ी स्कीम है हेल्थ को लेकर थोड़ी इंफॉर्मेशन इसके बारे में आयुष्मान भारत स्कीम को दो में शुरू किया गया था आपको ये चीज पता होनी चाहिए ठीक है यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के टाइम में एम जी नरेगा जो स्कीम है मैं आपको बताता हूँ एम जी नरेगा के बारे में एम जी नरेगा में जो डिमांड थी काम को लेकर वो बहुत ज्यादा बढ़ गई क्यों अब जो सब लोग थे जो शहरों में फंसे हुए थे अब धीरे धीरे अपने गांव जाना शुरू हो किया अब वो गांव जाके उनको कुछ काम तो करना है तो उन्होंने यहाँ पर एमजी नरेगा में अपने आप को रजिस्टर करना शुरू कर दिया एमजी नरेगा है क्या तो वैसे तो एमजी नरेगा का पुराना नाम होता था नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट दो इसके अंदर होता है क्या है नरेगा के अंदर आप जिस भी स्टेट में रहते हो अगर आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया तो आपको यहाँ पर मिनिमम सौ दिन का काम दिया जाएगा ठीक है तो ज़्यादातर ये काम जो होता है ये नॉन स्किल का काम होता है लेबर का काम आपको दिया जाएगा पर सौ दिन तक आपको काम दिया जाएगा और आपकी स्टेट आप सेट कर देती है कि आपको एक दिन के हिसाब से कितने पैसे मिलेंगे ठीक है तो ये स्कीम थी पहले इसको बोलते थे नरेगा फिर उसको बाद में कर दिया एम नरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसको यहाँ पर शुरू किया गया था 2006 में इसको शुरू किया था लॉन्च किसने किया था हमारी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इसको लॉन्च किया था ठीक है नेक्स्ट ये जो बताया जा रहा है आपके लिए इतना काम का नहीं है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान को शुरू किया गया था अगर आपसे पूछा है कि आत्मनिर्भर रोजगार अभियान इंडिया के किस स्टेट ने शुरू किस स्टेट, स्टेट में शुरू किया गया था तो उसका सी आंसर होगा उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सारा लोगों को यहाँ पर नौकरियाँ दी जा सके उसके लिए इसको शुरू किया गया था एच मिनिस्ट्री ने यहाँ पर लॉन्च किया था युक्ति टू पॉइंट इसके थ्रू अगर कोई पढ़ना चाहता है ठीक है कोई नई नई चीज़ों को शेयर करना चाहता है तो वो यहाँ पर युक्ति दो पॉइंटों किया जा सकता है ये हमारी कंट्री के एजुकेशन मिनिस्टर इनका नाम है रमेश निशांक पोखरियाल तो पहले एच मिनिस्ट्री होती थी अब इसको क्या बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री ठीक है ministry, ये एक बहुत ही पुरानी न्यूज़ है जून की आपके लिए काम की नहीं है आ, ये भी नहीं है ठीक है तो अब हम, हमने पिछले ऑलमोस्ट छः से सात ज्यादा वैसे सात आठ महीने के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे गवर्नमेंट स्कीम्स थे उनको डिस्कस कर लिया है बस एक लास्ट कैटेगरी मैं करना चाहता हूँ रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस की अगर ये भी आज खत्म हो जाए तो बस हमारा यहाँ पर जो आज का टारगेट था वो ख़त्म हो जाएगा और मेरी तरफ से मेरी तरफ से ये जो क्रैश कोर्स हमने किया आपके रिविजन के लिए जिन लोगों ने नहीं ठीक से पढ़ा उनके लिए थोड़ा सा इंफॉमेशन तो ये आज कंप्लीट हो जाएगी ठीक है लास्ट कैटेगरी हमारी रिपोर्ट्स और इंडेक्स की कैटेगरी इसमें होता है क्या रिपोर्ट्स और इंडेक्स में दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें रैंक किया जाता है ठीक है हम देखेंगे इंडिया का रैंक क्या क्या चलता है ठीक है आई होप आपको यहाँ पर समझ लगे होगा रिपोर्ट्स और इंडक्सीज में हमने क्या पढ़ना है तो हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स आया था जनवरी 2021 में इसमें बताया गया कि जो दुनिया भर के पासपोर्ट्स हैं उनका क्या रैंक है एक पासपोर्ट का रैंक है तो हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक था एट्टी रैंक ठीक है इंडिया का रैंक था एट्टी स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट तो पहले आई थी स्टेटस ऑफ टाइगर या फिर टाइगर रिपोर्ट इन इंडिया दो उसके बाद आई स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया दो रिपोर्ट इसके हिसाब से इंडिया में जो लेपर्ड्स है उनका नंबर पहुंच चुका है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तेरह हज़ार के पास जो कि बहुत अच्छा नंबर है ठीक है लेपर्ड्स का नंबर तेरह हज़ार के पास हमारी कंट्री में पहुंच चुका है अगर हम इसको कंपेयर करें आज से दस साल पहले तो लेपर्ड्स का जो नंबर है, हमने साठ परसेंट से बढ़ा दिया जो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ठीक है तो असल में पहले जो टाइगर रिपोर्ट आई थी हुआ क्या था सेंसस या फिर रिसर्च एक ही बार की गई उसी रिसर्च के बेसिस पे हमको पता चल गया कितने टाइगर हैं और उसी रिसर्च के बेसिस पे हमको ये भी पता चल गया कि हमारी कंट्री में कितने लेपड हैं ठीक है अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी कंट्री में चीता का कट्टेटस हो तो आपको पता होना चाहिए हमारी कंट्री में चीता नहीं मिलता लेपर्ड ही मिलते कई बार लोगों लोग को लगता है चीता भी मिलता है हमारी कंट्री में चीता आपको नहीं मिलता ठीक है इंडिया से चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है कोशिश की जा रही है उसको वापस आने के लिए पर अभी के लिए आपको चीता नहीं मिलेगा रिवीजन के लिए आपको टाइगर सेंसस है उसके बारे में बता देता हूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफ्स के खींचा खींच फोटोग्राफ्स खींचे जाने वाला सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सर्वे था ठीक है इसमें करोड़ों फोटोग्राफ्स को खींचा गया और इसी सर्वे के हमको पता चला था कि हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट तीन हज़ार के आसपास टाइगर्स हैं ठीक है 2018 तक का डाटा इसको रिलीज 2020 में किया गया था पर डाटा दो तक का ही आपको मिल जाएगा इसमें वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को अपडेट कर दिया ठीक है यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है इंडिया का रैंक कितना है हुआ क्या था वर्ल्ड बैंक ने एक बीच में बोला कि हम यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रैंकिंग है उसको बंद कर देंगे अब इस रैंकिंग को हम नहीं निकालेंगे ठीक है तो इंडिया के लिए काफ़ी ख़राब चीज़ थी क्यों क्योंकि इंडिया इस रैंकिंग में बहुत अच्छे से काम कर रहा था बहुत अच्छी रैंकिंग हम सिक्सटी के आसपास पहुँचे थे ठीक है पर फिर बीच में वर्ल्ड बैंक ने बोला हम इसको बंद कर देंगे क्योंकि कुछ कंट्रीज यहाँ पर गलत डेटा भेजती हैं पर फिर उन्होंने क्या किया उन्होंने पिछले साल दिसंबर में अनाउंस किया कि हम यहाँ पर फिर से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को शुरू कर देंगे ठीक है वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ इम्पॉर्टें इन्फॉर्मेशन पताना चाहिए इनके जो प्रेजिडेंट उनका नाम है डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के हेडकोर्टर्स आपको मिलेंगे वाशिंगटन डी यूनाइटेड स्टेट्स में तो ये आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड बैंक आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में ठीक है नेक्स्ट ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक क्या था तो इंडिया का यहाँ पर रैंक था एक सौ जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब रैंक है मतलब फ्रीडम इंडेक्स मतलब आपकी कंट्री में लोग कितने फ्रीडम से रहते हैं कितने अपनी मर्जी से वो क्या काम कोई भी काम कितना कर सकते हैं ठीक है थीके? तो इंडिया का यहाँ पर रैंक बहुत खराब था दो के मुकाबले हमारा रैंक बहुत ज़्यादा गिर गया दो में हमारा रैंक था नाइन्टी अब हमारा रैंक पहुंच चुका है एक सौ ग्यारह ठीक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के हिसाब से यहाँ पर जो आ, इंडिया था उसका रैंक था वन थर्टी फर्स्ट तो डेवलपमेंट रिपोर्ट मतलब आपकी कंट्री गवर्नमेंट कितना कुछ करती है इससे लोगों की लाइफ में ज़्यादा आप लोगों की लाइफ और डेवलप हो लोगों को यहाँ पर नई नई चीज़ें मिले ठीक है तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 2020 में इंडिया का रैंक था 131, 2019 में हमारा रैंक था 129, तो इसमें भी हमारा रैंक यहाँ पर गिर गया ठीक है ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स तो ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में इंडिया का रैंक था सेवनटी सेवन्थ इसका मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में आज भी जो रिश्वत है या फिर ब्राइबरी है जो करप्शन है आज भी बहुत ज़्यादा ठीक है तो ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स के हिसाब से इंडिया का रैंक था सेवेंटी और चाइना और पाकिस्तान दोनों का रैंक इंडिया से भी ज़्यादा ख़राब था तो वहाँ पर करप्शन इंडिया से भी ज़्यादा है ठीक है एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशन तो 2020 में इंडिया के जो सारे पुलिस स्टेशन को रैंकिंग दी गई थी आपको सिर्फ एक पुलिस स्टेशन का याद नाम याद रखते हैं जो हमारी कंट्री का बेस्ट पुलिस स्टेशन बना नॉन्गपॉक सेकमाई पुलिस स्टेशन तो नॉन्गपॉक सेकमाई पुलिस स्टेशन जो आपको मिलेगा मणिपुर में उसको डिक्लेयर किया गया हमारी कंट्री का बेस्ट पुलिस स्टेशन ठीक है थर्ड यहाँ पर रिपोर्ट क्या है या फिर इंडेक्स क्या है वर्ल्ड वाइड फंड ने एक रिपोर्ट निकाली थी उसमें यह बताया गया था कि 30 इंडियन सिटीज को उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़े स्केल पे वाटर रिस्क फेस करेंगी आने वाले टाइम में ठीक है इसमें जयपुर था अमृतसर था इंदौर था श्रीनगर था इनके हिसाब से इंडिया की वो सिटी जहाँ पर सबसे पहले पानी की बहुत सीरियस प्रॉब्लम आने वाली है वो थी राजस्थान की कैपिटल जयपुर ठीक है तो जयपुर में इनके हिसाब से सबसे बड़े स्केल पर यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम होने वाली है तो वर्ल्ड वाइड फंड जिन्होंने इस रिपोर्ट को बनाया था उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाल दी है इन लोगों का काम है दुनिया भर में फ्लोरा और फोना के लिए काम करना मतलब एनिमल्स और प्लांट्स इन सब के लिए काम करना इसके हेडक्वार्टर साहब को मिलेंगे स्विट्जरलैंड में ठीक है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में यह बताया गया कि हमारी कंट्री में जो स्टेट्स हैं ठीक है वो कितने अच्छे से गवर्न कर रही हैं उन स्टेट्स की गवर्नमेंट कितने अच्छे से काम कर रही है तो केरला गोवा और चंडीगढ़ को यहाँ पर बेस्ट गवर्न स्टेट्स बोला गया था जैसे लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में केरला सबसे बेस्ट था और सबसे यहाँ पर वर्स्ट था उत्तर प्रदेश स्मॉल स्टेट की कैटेगरी में गोवा सबसे बेस्ट था मणिपुर सबसे यहाँ पर खराब था और यूटीज में चंडीगढ़ सबसे बेस्ट गवर्न यूटी थी हमारी कंट्री की ठीक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 ठीक है तो यहाँ पर ना ये जो आ, इमेज लगी है 2019 के हिसाब से इस इमेज को आप मत देखना तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के हिसाब से इंडिया का रैंक था नाइनटी आउट ऑफ 107 कंट्रीज तो 107 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक था नाइन्टी तो जो कि एक बिल्कुल भी अच्छा रैंक नहीं है ठीक है नेक्स्ट लैनसेट तो लैनसेट एक बहुत ही बड़ा मेडिकल जर्नल है इनकी एक रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से इंडिया में जो लाइफ एक्सपेंडेंसी है वो सत्तर सालों पर पहुंच चुकी है मतलब इंडिया में अगर किसी का जन्म होता है तो आप एवरेज लगा के बोल सकते हो कि इस बच्चे का जो लाइफ है वो सत्तर साल की होगी ठीक है अब हमारी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी सत्तर साल पे पहुंच चुकी है ये आज से अगर आप बीस साल पहले कंपेयर करो ठीक है नाइनटीन नाइनटी टू में सिर्फ साठ साल होती थी तो मतलब दस साल ऐड हो गए इंडियंस के लाइफ में पिछले कितने सालों में पिछले ऑलमोस्ट तीस सालों में ये कैसे हुए तो पिछले तीस साल में गवर्नमेंट ने बहुत बड़े बड़े, बड़े प्रोग्राम चलाए ठीक है थीका? जैसे माल न्यूट्रिशन खत्म करने के लिए प्रोग्राम चलाए पोलियो को ख़त्म करने के लिए प्रोग्राम चलाए जिससे ओवरऑल इंडियंस की जो एज है वो यहाँ पर बढ गई ठीक है लाइफ एक्सपेंडेंसी बढ़ गई है वर्ल्ड बैंक का ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 इंडिया का रैंक था 116 काम पे लगाते हो जो काम, उनके लिए जरूरी है, जो काम वो अच्छे से कर सकते हैं रैंक था सोलह इसको बनाया था वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड बैंक के एड्स आपको मिलेंगे वॉशिंगटन डीसी में नेक्स्ट रिपोर्ट थी एक्सपोर्टनेस इंडेक्स दो इसको नीति आयोग ने रिलीज किया था एक्सपोर्ट पेपर इंडेक्स मतलब कौन सी स्टेट कितनी ज़्यादा रेडी है कुछ सामान को एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ स्टेट से आप सामान अगर इंडिया के बाहर भेजना चाहते हो आसान है कुछ स्टेट से बहुत ज़्यादा मुश्किल है जैसे इसको टॉप किया था गुजरात ने गुजरात ने टॉप किया एक्सपोर्ट पेपनेस इंडेक्स रिपोर्ट को गुजरात के बाद था यहाँ पर सेकेंड में महाराष्ट्र थर्ड पे तो पर तमिलनाडु ठीक है तो यहाँ पर बताया गया गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु राजस्थान उड़ीसा ये हमारी कंट्री की पाँच स्टेट थी जो कि बेस्ट है अगर आप कुछ भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो अगर आप यहाँ पर कुछ बना रहे हो तो सबसे ज़्यादा आसानी से आप सामान इंडिया से बाहर गुजरात से भेज सकते हो ठीक है टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया इंक्रीज बाय सिक्स परसेंट पर एनम एम ये बताया टाइगर रिपोर्ट 2020 के जो हमारी रिपोर्ट आई थी मतलब हर साल छः परसेंट से टाइगर की पॉपुलेशन हमारी कंट्री में बढ़ रही है ठीक है यहाँ पर वो जो टाइगर सेंसर था उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन डाल दी है जैसे अगर दो के मुकाबले दो को कंपेयर करो तो दो में टाइगर की पॉपुलेशन थी एक हज़ार में टाइगर की पॉपुलेशन पहुँच गई है टू हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा टाइगर की पॉपुलेशन आपको मिलेगी मध्य प्रदेश स्टेट में ठीक है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स आपको मिलेंगे आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी स्टेट है जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है इंडिया के अलावा और टाइगर की पॉपुलेशन आपको कहाँ मिलेगी तो रशिया में इंडोनेशिया में मलेशिया में बहुत कम है इंडिया के पास दुनिया के पचहत्तर जो टाइगर है वो इंडिया के पास ही है ठीक है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन तो हमारी कंट्री में जो इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग दी गई थी अटल रैंकिंग ए आर आई आई ए तो किसने दी थी रैंकिंग हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के हिसाब से हमारी कंट्री का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट था वो था आईआईटी मद्रास ठीक है तो आपको मिलेगा चेन्नई में तो वो बेस्ट इंस्टीट्यूट यहाँ पर माना गया था। ये आपके लिए काम की चीज़ नहीं है आ, ये भी बहुत पुरानी चीज़ है जो आपके लिए काम नहीं। का नहीं होगा उसको हम पर डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है एफ का फूड सेफ्टी इंडेक्स तो आपको एफ के बारे में पता होना चाहिए एफ क्या है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये लोगों आपने बहुत बार देखा होगा जो भी पैक्ड चीज़ें होती हैं खाने पीने की चीज़ें उस पर ये लोगों हमेशा लगा होता है जो चिप्स हो गए कोल्ड ड्रिंक्स हो गए हमेशा एफ एस एस आई का लोगो होता है तो एफ एस एस आई को बनाया गया था दो हज़ार ग्यारह में इनका काम क्या इनका काम है जो भी चीज़ें हमारी कंट्री में पैक्ड है खाने पीने की चीज़ें उसको अप्रूवल देता है एफ एस एस आई ठीक है और तो यहाँ पर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है ये काम करते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एक रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के हिसाब से मुंबई जो कि हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है वो सिक्सटियथ साठवीं मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है दुनिया में तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मुंबई और दुनिया भर के हिसाब से साठवीं सिक्सटियथ मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड है मुंबई जो कि हमारी कंट्री की फाइनेंशियल कैपिटल भी है ये वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट थी वैसे तो आपके काम के लिए मैं आपको थोड़ा बता दूँ ये ये बता रही थी कि इंडिया में लॉकडाउन के टाइम पे जो स्टील का आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था जो कि जाना भी था अब सब कुछ बंद था तो जरूरत ही नहीं थी स्टील की तो स्टील की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गई थी ठीक है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एनर्जी ट्रांजिशन मतलब अभी हम लोग कोयला पेट्रोल इन सब को यूज़ कर रहे हैं हम जाना कहाँ जाते हैं हम जाना चाहते हैं जो रिन्यूबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी उनकी तरफ जैसे सोलर पावर हाइड्रो पावर तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन करना यहाँ से वहाँ जाना तो इसमें इंडिया कितने अच्छे से ट्रांजिशन कर रहा है उसमें इंडिया को रैंक दिया गया सेवेंटी फोर्थ तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक था सेवेंटी फोर्थ रैंक ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं बस यहाँ पर ये यह बता रहे हैं कि इंडिया का जो अनएम्प्लयमेंट रेट था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था लॉकडाउन के टाइम पर जो होना ही था बहुत से लोगों की यहाँ नौकरियाँ चलेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपकी कंट्री अपने आप ही बढ़ ही जाएगा ठीक है हाँ ये एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी इस रिपोर्ट को निकाला था नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इफॉर्मेशन सेंटर ने इन्होंने ये बोला था कि दुनिया में बहुत सारी साइंटिफिक पब्लिकेशन होती है एक पब्लिकेशन क्या होता है आपने कुछ रिसर्च किया आपने उसको पब्लिसाइज कर दिया पब्लिकेशन में डाल दिया तो दुनिया में साइंस के मुकाबले साइंस में सबसे ज़्यादा पब्लिकेशन होती है चाइना में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पब्लिकेशन होती है यू एस ए में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पब्लिकेशन होती है इंडिया में मतलब इंडिया में जो रिसर्च का सेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉग हो रहा है ठीक है सिपरी सिपरी क्या करता है जो भी सिपरी रिपोर्ट निकालता है डिफेंस को लेकर होती है तो इंडिया वन अमंग टॉप थ्री मिलिट्री स्पैंड मतलब इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो सिपरी के हिसाब से अब दुनिया में से नंबर पर पहुंच गया किस किसके पीछे हमारा डिफेंस बजट यू और चाइना के पीछे तो सिर्फ यूएस और चाइना इंडिया से ज्यादा खर्चा करते हैं डिफेंस में इंडिया 30 से नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस में खर्च करने वाली कंट्री बन चुका है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो 2020 में आया था उसमें इंडिया का रैंक था वन फोर्टी जो कि बहुत ही ज्यादा खराब रैंक था हमारी कंट्री के लिए ठीक है ये आपके लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं है आ, हाँ यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 इंडिया का रैंक था 144 तो इंडिया का रैंक था वन फोटी फोर्थ इन दी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स इंडिया का रैंक था दूसरा और ये अच्छी चीज है मतलब कि बहुत ही कम दुनिया में ऐसे कंट्री है जो एनिमल प्रोटेक्शन के लिए काफी सारे राइट्स लेके आती काफ़ी सारे रेगुलेशन लेके आती है और इंडिया को दूसरा रैंक मिला मतलब इंडिया में हम एनिमल्स की कुछ हद तक रिस्पेक्ट करते हैं तो आपको पता होगा जैसे हिंदू धर्म में काउ uh, है ठीक है गाय है उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है तो ये सब कारणों की वजह से इंडिया का इस जो ओवरऑल इस रैंकिंग में जो रैंक था वो दूसरा था एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स ठीक है इंडिया का रैंक था सेवेंटी सेवंथ ऑन सस्टेनेबल इंडेक्स एंड वन थर्टी वन ऑन फ्लरिशिंग इंडेक्स तो वैसे तो ये काफ़ी पुराना फेब्री की न्यूज है फिर भी आपको बताता हूँ कि uh, हमारे यहाँ पर जिस तरह से बच्चों को न्यूट्रिशन दिया जाता है ठीक है तो वो चीज़ अभी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई इसी वजह से इंडिया का रैंक यहाँ पर सस्टेनेबल इंडेक्स में था सेवेंटी सेवन्थ और फ्लरिशिंग इंडेक्स में था वन थर्टी वन ठीक है और यहाँ पर अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है हाँ एन सी आर बी एन सी आर बी का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो तो हमारी कंट्री में कोई भी क्राइम होता है ठीक है कोई भी क्राइम रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप एन सी आर बी के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो तो एन सी आर बी की एक रिपोर्ट आई थी इनके हिसाब से वुमेन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग में मुंबई और कोलकाता हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा मुंबई और कोलकाता में यहाँ पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग और वुमेन ट्रैफिकिंग के, के केस आते हैं ठीक है एन सी आर बी के बारे में एन सी आर बी के बारे में कुछ इंपॉर्टें इंफॉर्मेशन डाल दिया है ग्यारह मार्च नाइनटीन एट्टी सिक्स से उनको बनाया गया था और ये काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ठीक है इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आया था पिछले साल इंडिया का रैंक था फोर्टीयथ इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है मान लो एक साइंटिस्ट है उसने बहुत सारी रिसर्च करी तो वो रिसर्च भी एक तरह से उसकी प्रॉपर्टी होगी उसको बोलेंगे उसकी इंटेक्चुअल प्रॉपर्टी जो उसने रिसर्च किया जो उसने ढूंढा तो इंडिया का रैंक था चालीस सौ इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में रैंक कैसे मिलता है अगर आपके यहाँ पर कोई लोग है जिन्होंने रिसर्च करी क्या उनका डाटा प्रोटेक्टेड है क्या उसको कोई चोरी करने की कोशिश तो नहीं कर रहा तो जो इंटेक्चल प्रॉपर्टी को बचा के रखती कंट्रीज़ उनको अच्छा रैंक मिल जाता है जो यहाँ पर ठीक से नहीं बचा पाती किसी की रिसर्च हो किसी की मेहनत हो उसको यहाँ पर एक खराब रैंक मिलता है इंडिया का रैंक आप कह सकते हो बीच बीच में था ठीक है ठीक है ये तो हमारे लिए हाँ डेमोक्रेसी इंडेक्स तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में यहाँ पर इंडिया का रैंक हो गया फिफ्टी और ये तो पिछले साल 2020 की बात है इस साल का फेब दो का भी डेमोक्रेसी इंडेक्स है और इंडिया का रैंक और दो रैंक खराब हो गया तो पहले हम यहाँ पर होते थे Uh, 2019 की अगर बात करें तो 2019 में इंडिया का रैंक था फोर्टी फर्स्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स में 2020 में हमारा रैंक हुआ 51 और 2021 की बात करें वैसे तो ये आपके एग्ज़ाम के बहुत क्लोज हो गया 2021 में इंडिया का रैंक हो गया 53 ठीक है हम और दो स्पॉट यहाँ पर गिर गए ठीक है स्टूडेंट्स तो हमने यहाँ पर जितनी भी मैं चाहता था तीनों स्लाइड्स थोड़ी सी स्पीड मुझे ज़्यादा रखनी पड़ी पर हमने यहाँ पर तीनों जो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स उनको कवर कर लिया है अब इसके साथ मेरे हिसाब से तो आपके लिए जितना भी इंपॉर्टेंट सिलेबस था ठीक है हमने यहाँ पर अवार्ड्स देख लिए हमने यहाँ पर जो नेशनल न्यूज़ थी वो देख लिया स्टेट्स न्यूज़ देख लिया हमने यहाँ पर डिफेंस देख लिया गवर्नमेंट स्कीम देख ली ठीक है तो मेरे हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेट्स कर ली जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिससे आप करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस में से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके हमने एक रिविजन तो यहाँ पर कर लिए ठीक है और अगर आपने यहाँ पर मान लो नहीं पढ़ा आपने आपको टाइम नहीं लगा आप करंट अफेयर नहीं पढ़ पाया तो आपको थोड़ा आइडिया तो यहाँ पर हो जाएगा ठीक है तो इसके साथ हम आज की क्लास को यहाँ पर मेरी मतलब मेरी तरफ से सिलेबस यहाँ पर खत्म होता है अब अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है आप अपने डाउट को यहाँ पर पूछ सकते हो कोई भी चीज़ अगर आपको यहाँ पर पूछनी है अभी आप पूछ सकते हो नहीं तो मेरी तरफ से जितना मुझे आपको कराना था वो मैंने करा दिया ठीक है आ, मैं आपको बस ये बोलूँगा कि ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम आपने से जिस इसका एग्जाम है अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करना ठीक है अगर एग्जाम मुश्किल आता है तो वो सबके लिए मुश्किल है ऐसे आप डर मत जाना कि आप ये एग्ज़ाम कैसे करोगे अगर मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है टफ़ है तो सबके लिए टफ है ठीक है जितना आपने प्रिपेयर किया है जितना आपने पढ़ा उसको बहुत उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखो जितना आपने मेहनत करके उसके ऊपर कॉन्फिडेंट रखा आपका एग्जाम यहाँ पर काफ़ी अच्छा होगा ठीक है अगर किसी का कोई डाउट है तो अभी डाउट पूछ सकता है नहीं तो मेरी तरफ से क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है देखो जो यहाँ पर आप पूछ रहे ना पायल की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये है क्या देखो स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कंपनीज़ के शेयर्स को ट्रेड किया जाता है कंपनी का शेयर क्या होता है देखो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पर एक वाइट स्क्रीन लगा देता हूँ Uh, कीरत जब बोल रहे हो मैं बिल्कुल ये स्लाइड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा ठीक है हाँ स्लाइड्स आपको मैं अवेलेबल कर दूंगा यहाँ पर जो डाउट पूछा है uh, पायल है मैं उनको बता दूँ देखो तो पायल यहाँ पे पूछे कि स्टॉक एक्सचेंज करता है तो मैं आपको बता दूँ जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं ठीक है uh, हाँ तो जो स्टॉक एक्सचेंजेज होते हैं वो असल में करते क्या देखो एक स्टॉक एक्सचेंजेज में हमारे बहुत सारी कंपनीज़ लिस्टेड होती है जैसे एक स्टॉक एक्सचेंज में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड होगा टाटा होगा ठीक है टाटा होगा और बड़ी बड़ी कंपनीज़ होंगी तो ये जो कंपनीज है इनके शेयर मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं वो सब किया जाता है स्टॉक एक एक्सचेंज पे शेयर क्या होता है शेयर आप ऐसे समझ लो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का सौ परसेंट ओनरशिप ना यहाँ पर मुकेश अंबानी के पास नहीं है सौ परसेंट में से हो सकता है इनकी बीस परसेंट ओनरशिप मार्केट में अवेलेबल है और अस्सी परसेंट ओनरशिप यहाँ पर मुकेश अंबानी के पास है ठीक है तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की बीस परसेंट ओनरशिप है ओनरशिप मतलब मालिकाना हक उसको आगे कम उसको आगे डिवाइड किया होता है मान लो सौ करोड़ शेयर में तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो बीस परसेंट मालिकाना हक है जो इसकी ओनरशिप है उसके आगे सौ एक सौ करोड़ शेयर बनाए हुए हैं और एक शेयर की वैल्यू रखी हुई है मान लो पाँच सौ रुपये तो अगर किसी को भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर खरीदना है तो वहाँ पर पाँच सौ रुपये के हिसाब से जितने शेयर हैं वो खरीदना चाह खरीद सकता है इससे मुकेश अंबानी को फायदा क्या होगा उन्होंने अपना मालिकाना हक क्यों छोड़ा क्योंकि मुकेश अंबानी को यहाँ पर पाँच सौ इंटू सौ मतलब कि यहाँ पर कितना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पचास हज़ार करोड़ रुपये मिल जाएंगे ठीक है तो मुकेश अंबानी अपनी कंपनी के शेयर मार्केट में रिलीज़ करेंगे उसके बदले में उनको बहुत सारा पैसा मिलेगा जो बंदा ये पैसा पे करके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर खरीदा है उसको क्या मिलेगा उसको यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी उसको मालिकाना हक मिल जाएगा रिलायंस में तो जब तक रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड प्रॉफिट कमाएगी उसके शेयर होल्डर्स को कुछ प्रॉफिट में से परसेंटेज मिलती रहेगी ठीक है आई होप आपको यहाँ पर पायल थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल गई है ठीक है स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है अब अपने डाउट यहाँ पर पूछ सकते हो नहीं ठीक है नहीं तो मेरी तरफ से आज की क्लास में मुझे जितना आपका रिवीजन के लिए डाटा देना था वो मैंने दे दिया है ये जो क्लासेस की जो स्लाइड्स हैं ये सारी स्लाइड्स आपको आपके ग्रुप्स पे मिलती रहेंगी ठीक तो है तो रेगुलरली जो स्लाइड्स हैं आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी आपके रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से जिनका एग्जाम है उनके लिए भी जिनका एग्जाम बाद में उनके लिए भी ये जो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से स्लाइड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स इस क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ सक्सेसफुल डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम